यस सर और नो सर। ओके आलिया आपको। ओके एस्टर वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। वो बेसिकली अल्केन अल्केनोइड होता है उसका नाम। ठीक है तो उस पे भी क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग अभी। रुक जाइए मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस देके आप लोगों को देन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है नॉमेनक्लेचर सबका लिखना है। ठीक है तो नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। इसमें रुक जाइए क्वेश्चन तो पहले बेसिक से ही शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचे आप लोग। लास्ट क्लास में तो बहुत सारे गलतियां किया था आप लोगों ने, बहुत सारा गलतियां किया था। इसका नाम लिखिए। इसका नाम लिखिए। इसका नाम लिखिए। हो जाएगा ये नेमिंग। अदिति फर्स्ट वाला हो जाएगा आलिया अदिति। यस आलिया आपको स्क्रीन दिख रही है। आलिया आपका नेट वीक है क्या? सॉरी अदिति।
अदिति आपको स्क्रीन शो हो रहा है? ओके, रीज्वाइन करिए जरा आप। हालिया फर्स्ट वाले का आंसर। आलिया मैं बताऊं या कर रही हैं आप? ओके, सेकंड वाला बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, 1 2 3 ले लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 पे फेनाइल हो जाएगा, तो 1 फेनाइल ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लिया मैंने, और फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल है तो इसे कर लेंगे हम लोग 2 मिथाइल सियानो, ये किसके लिए, सियानो इसको कह देंगे, और 1 पे सियानो है, ठीक है, तो 1 पे ये सियानो ब्यूटेन। इसमें देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नहीं करेंगे नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट लेट से आएगा, दूर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड देन हेप्टेन। इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये कार एल्डिहाइड है, तो यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। अब नेमिंग करने के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, तो 3 क्लोरो 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 अल या फिर प्रोपेनल। अलिया सो इजी, और इसको ऐसे भी देखिए, अगर मैंने इसको पेरेंट माना तो इसको सब्स्टिट्यूएंट माना। इसका दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे 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 देख रखा है, तो मैं इसको अगर सब्स्टिट्यूएंट लूंगा तो 1 पे प्रोपाइल आ जाएगा, 1 प्रोपाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों नाम ही सही है। लिख लिया आपने, यस और नो? प्लीज डू रिप्लाई। लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड, सेकंड टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो यहां पे टॉपिक डाल लीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है अपन लोगों को, ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जस्ट सपोज अपने पास, देखिए कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले समझ लीजिएगा, ये क्या है आपका, एक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मैं कॉमन नेम भी लिखूंगा और जिस पे स्टार रखूंगा वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका जो सबसे पहले मैं इसका IUPAC लिख रहा हूँ, नोमेनक्लेचर, तो बेसिकली इसका नाम जो होगा मिथाइल बेंजीन होगा, क्या होगा, मिथाइल बेंजीन या फिर 1-methyl benzene, और इसका जो कॉमन नेम होगा बेसिकली वो होता है टॉलीन। आपको 12th में ये इसी नाम से जाना जाएगा, टॉलीन के नाम से, ठीक है। फिर आपके पास अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे देता है तो हमें फंक्शनल ग्रुप भी पहचानना पड़ता, OME दे दिया, ME का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, CH3, CH3 का मतलब क्या हो गया, ये मिथाइल है, क्या है, ये मिथाइल है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इसमें क्या है,
ओ एम ई है बेसिकली, और इधर क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ईथर हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, क्या होगा, वन मिथॉक्सी बेंजीन या मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो एनिसोल होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर अपने पास ऐसा दे दिया बेंजीन और इसके ऊपर एनएच टू रख दिया, एनएच टू एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम अमीन होता है, ठीक है। तो इसका नाम जो होगा अमीनो बेंजीन होगा, आईयूपीएसी, ठीक है, या फिर एनिलीन कहते हैं एज अ कॉमन नेम, और आजकल इसको आईयूपीएसी में भी ट्रीट किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आईयूपीएसी, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर में भी आईयूपीएसी में इसमें डाल दिया गया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में भी हम क्या कर देते हैं, आईयूपीएस एनिलीन ही लिखते हैं, या तो अमीनो बेंजीन लिखिए, कॉमन नेम भी यही है और इसका आईयूपीएसी नेम भी यही है। अगर आपके पास आ जाता है एनओ टू, तो बस नंबरिंग देख लीजिए, वन नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन होगा, क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन। अगर यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट सपोज ब्रोमीन आ जाता है, तो इसका भी नाम यहाँ पे रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। इज दैट क्लियर? अलिया इसे ड्रॉ करिए, और नहीं आए तो दोबारा पूछिए, हो जाए तो बताइए। डन, आगे बढ़ते हैं। अब जब सब यहाँ पे क्या था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, यानी एक ही सब्स्टिट्यूशन था। यहाँ पे अगर मैं दो सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ तो क्या होगा, जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने बी आर ले लिया और यहाँ भी बी आर ले लिया, ठीक है। तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि दोनों पास पास में आए, तो मैं इससे वन और इसको क्या ले लेता हूँ, टू, तो इसका नाम क्या होगा, वन कॉमा टू डाई ब्रोमो बेंजीन होगा कि नहीं, डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अगर इसी को मैंने ब्रोमीन का और पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ बी आर लिया था, अब यहाँ पे ले लिया बी आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, इधर से नहीं जाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, टू थ्री फोर फाइव नंबर पे आएगा। तो हमने ऐसे चलते हैं ताकि दोनों तरफ से मतलब जल्दी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइब्रोमो वन कॉमा थ्री डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अगर जस्ट सपोज तीन सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या फिर एक और पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम लोग, बी आर यहाँ था और बी आर मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वन कॉमा फोर डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा कि नहीं, आ लिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि अगर आपके पास ब्रोमीन यहाँ है और ब्रोमीन यहाँ लगा दिया तो नाम क्या होगा, और अगर आपके पास ब्रोमीन यहाँ है और ब्रोमीन यहाँ लगा दिया तो क्या होगा नाम, तो जरा बताइए इसका नाम। बहुत आसान है, वन कॉमा, देखिए ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, इसमें बस इधर लगा दिया, इसमें इधर लगा दिया, ये दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ भी देखिएगा तो वन टू थ्री, तो यही नाम आएगा और ये भी ये नाम आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ एक चीज क्लियर करा देता हूँ, अगर बेंजीन में किसी यहाँ पे ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में जस्ट बगल में होगा ना, तो उसको ओ कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में यहां होगा ना तीसरे नंबर पे, तो इसको मेटा कहते हैं,
इसको ऑर्थो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको पैरा कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो अगर इसको मैं पूछूं कि इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, तो ऑर्थो पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, तो पैरा मेटा पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, तो पैरा पे है। तो ये बेंजीन में बेसिकली ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजिशन होता है, और वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, चलिए हो जाए तो बताइए, इसे लिख लीजिए ऑर्थो, मेटा और पैरा के बारे में अपने अकॉर्ड। हो गया, चलिए अब देखिए कुछ और देता हूं मैं ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या हो गया Cl, ये हो गया आपका NO2, और ये हो गया आपका NO। ठीक है, और ये बेसिकली बेंजीन है। बेंजीन को अगर बीच में अगर गोला भी बना दूं, सर्कल बना दूं, तो भी तो वही मतलब होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हो गया NO2, और यहाँ दे दिया मैंने Cl, और यहाँ दे दिया मैंने CH3। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, क्लोरीन से हम लोग करते हैं, ये भी नाइट्रो जो होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही आता है, तो क्लोरीन से करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, नाइट्रो और क्लोरीन में है तो क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे नाम भी हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 क्लोरो और फिर क्या आ जाएगा, 2.4 डाइनाइट्रो, 2.4 डाइनाइट्रो, और ये बेंजीन है तो हम सीधे सीधे बेंजीन लिख देंगे। अब यहाँ पे करने चलिए, अब देखिए अगर आप यहाँ से कर देती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 नंबर पे आ रहा है, जिसकी वजह से काफी दूर पड़ रहा है, तो हम ऐसे करेंगे। अरे यार शिट, रुक जाइए जरा, हम किस तरीके से करेंगे, ये ऐसे ऐसे था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे NO2 है। तो देखिए बेसिकली हम कहाँ से करेंगे, ताकि आपका नंबरिंग का जो सम हो, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल, वो पास में पड़े, तो हम यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, और नाम लिखना शुरू करेंगे, तो 2 क्लोरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल, एंड देन क्या आ जाएगा आपका, 4 नाइट्रो, एंड देन आ जाएगा बेंजीन। इज दैट क्लियर? अगर देखिए अब यहाँ पे लोएस्ट सम रूल क्या होता है, कि 1+ जिस पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है, +3=, कितना होता है, 6 आता। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर देती क्लोरीन से नंबरिंग कर देती, तो 1 पे तो क्लोरीन आ जाता, 2 और 3 पोजीशन पे आता आपका नाइट्रो, और 6 पोजीशन पे आता, तो ये सम काफी ज्यादा हो जाता, इसलिए हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे। ठीक है, हो जाए, लिख लीजिएगा तो बताइएगा। अब देखिए जरा, ये जो होता आपको, इसका कॉमन नेम और आयुपिक नेम दोनों ही सेम है, इसको कहते हैं हम लोग फेनॉल। ये फेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना भी कॉमन नेम लिखवाए हो ना आपको, ठीक है, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नाम से जाने जाएंगे क्लास 12 में, इसी के नाम से जाने जाएंगे, अनिलीन के नाम से ही जाने जाएंगे ये तीनों। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर जरा आप करके बताइए, ये OH क्या है, अल्कोहल वाला ग्रुप है,
इसके नेमिंग कर सकती हैं आप, नहीं हो तो बता दीजिएगा। वन फेनॉल नहीं होगा, मेटा नहीं लिखिए, जब तीन लिख रही है ना आप तो मेटा लिखने की जरूरत नहीं है। फेनॉल तो इस पूरे को कहते हैं ना। अदिति एम आई ऑडिबल? आपको एक मिनट रुक जाइएगा जरा। हाँ लिया। ओके ट्राई इट अगेन। आपको स्क्रीन शो हो रहा है अदिति? Maybe your network connection. No problem. Next class में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? Don't worry. चलिए, अगर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो यू मे लीव, और इफ यू वांट टू स्टे यू कैन। चलिए आलिया, ये पूरा का पूरा फेनॉल है तो इसके रिस्पेक्ट में नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल होगा और उसके बाद क्या होगा, फेनॉल होगा, 1 फेनॉल या फिर 3-मिथाइल फेनॉल, या फिर इसको इसके एम लिखेंगे, एम मिथाइल, दैट एम रिप्रेजेंट्स मेटा मिथाइल फेनॉल, ठीक है? तो नंबरिंग वाला आप करिए पहले, ठीक है? मैंने नंबरिंग वाला बोला आपने से करने के लिए, तो ये क्या होएगा, 4-मिथाइल फेनॉल। अभी आप ऑर्थोमेटा पैरा यूज नहीं करिए, इसका बताइए। टू मिथाइल फेनॉल, वेरी गुड, इसका बताइए। वन टू थ्री फोर, वेरी गुड, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको समझ आ गया कि कैसे लिखना है। अगर उसके फॉर्म में लिखना होता तो इसको क्या लिखती, ओ मिथाइल फेनॉल लिख सकती हैं, ठीक है? तो नेमिंग आप इजीली कर सकती हैं। स्लाइड चेंज करूं?
चलिए जरा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि आपको नेमिंग दे देगा और आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो जरा ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए जो है आपका ओ इथाइल। ओ का मतलब क्या हो गया आपका? ओ का मतलब हो गया ऑर्थो, इथाइल एनिसोल, ठीक है। बी पी नाइट्रो एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन। सी 2.3 डाइब्रोमो, 2.3 डाइब्रोमो। 1 फेनाइल पेंटेन। डी 4 इथाइल 1 फ्लोरो, 4 इथाइल 1 फ्लोरो। 2 नाइट्रो बेंजीन। होमोलोगस सीरीज बता दिया था ना आप लोगों को, ठीक है। यस सर, ओके। इसमें बताइए आंसर क्या होगा, वन एंड टू डन, वेरी गुड। तो देखिए वन और टू का मैं अगर एनिसोल की बात करूं तो एनिसोल सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइएगा। अब एनिसोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है एनिसोल। अब इसके रिस्पेक्ट में ओ पे इथाइल डालना है, तो ये ऐसे हो गया क्या? CH2CH3, यस और नो? क्या यही है स्ट्रक्चर आपका? तो सही है, नहीं तो गलत है। ऑर्थो, एक मिनट, ऑर्थो दे रखा है ना, ठीक है। अब ये दूसरा वन एंड टू आपने किया है एनिलीन, एनिलीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए NH2। इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे हमें क्या करना है, ठीक है, पैरा पे हमें नाइट्रो डालना है, तो ये हो जाएगा NO2, ठीक है। तो वेरी गुड, थर्ड और फोर्थ भी कर लीजिए आप। हो गया ए और बी डन, ओके, टेक योर टाइम। टू कॉमा थ्री डाइब्रोमो फेनाइल पेंटेन है, फेनाइल है, तो सबसे पहले एक काम करिए इसको लगाइए ऐसे, ठीक है। और ये 1 फेनाइल है और उसके बाद पेंटेन है, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसको ये पेरेंट मान रखा है पेंटेन को। और इसमें दे रखा है 2.3
ठीक है, तो एक वन पे फेनाइल है तो ये वन फेनाइल हो गया, टू और थ्री, टू और थ्री ये रहा, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन होगा और एक कहाँ ब्रोमीन होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे होगा। इज दैट क्लियर? ऐसा ही बनाया आपने। अब फोर वाला, फोर इथाइल वन फ्लोरो, नाइट्रो बेंजीन है तो सबसे पहले नाइट्रो बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है, नहीं सबसे पहले बेंजीन बनाते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि टू पे नाइट्रो बेंजीन है और वन पे फ्लोरो, तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा दीजिए और इसके रिस्पेक्ट में घूमते चलिए। अब टू इसको लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनओ टू हो जाएगा। थ्री इसे लेते हैं, फोर पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, तो सी एच टू सी एच थ्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हो गया। हो गया आप लोगों का? हो गया आपका? ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसे ध्यान से लिख लीजिए, वन पे फ्लोरो है, फोर पे इथाइल है, तो अगर वन लेते हैं तो इसके अपोजिट में इथाइल होगा और उसके बाद टू पे क्या होगा, मिथाइल नाइट्रो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्टिक चलता है। हो गया, डन, लिख लिया आपने। चलिए अब देखिए, यहाँ से अपना ऑर्गेनिक शुरू होगा मेन, ठीक है। जैसे अभी तो नोमेनक्लेचर हमने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा था, ठीक है, सॉरी टेंथ में भी पढ़ा था, तो नोमेनक्लेचर पे आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। ईस्टर वगैरह सबका एक असाइनमेंट जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, पता है क्या, डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। और डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है इस पे फोकस करिएगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन डायरेक्टली कितने, जितने कार्बन से अटैच्ड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा जितने कार्बन से, उतना डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाता है, तो मैक्सिमम चार कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो मैक्सिमम उसका डिग्री चार होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो वन डिग्री, दो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो टू डिग्री, डायरेक्टली तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो तीन डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, द नंबर ऑफ सी एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड With that carbon, जिस कार्बन का डिग्री निकाल रही है उससे डायरेक्टली वो कितना कनेक्टेड है वही होता है उसका डिग्री, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया सी एच थ्री सी एच टू एंड देन यहाँ पे ले लिया सी एच और यहाँ पे आ गया आपके पास सी एच थ्री एंड देन इधर ले लेंगे हम सी एच, ठीक है, सी एच टू एंड देन यहाँ पे सी एच सी एच थ्री आ जाएगा, यहाँ पे सी एच थ्री आ जाएगा और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया सी एच टू एंड देन यहाँ पे ले लूंगा सी एच थ्री। अब आप खुद ही बताइए, आलिया एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए तो मैं क्या बता रहा था, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक कार जिस कार्बन का डिग्री निकाल रही है तो उस कार्बन को देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से वो अटैच्ड है। जैसे इस कार्बन को अगर हम देखें तो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है,
एक कार्बन से, तो इसका 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखे तो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक इधर और एक इधर, तो इसका 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखे डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखे तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है ऊपर वाला, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को डायरेक्टली देखे तो इधर और इधर, ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। इस कार्बन को देखने चला आपने तो 1 2 3 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो 4 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। इस कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है और ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है लेफ्ट वाले से, तो 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कार्बन ऐसे निकालते हैं, जितने कार्बन से डायरेक्टली वो अटैच्ड है उतना उसका डिग्री हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए लिख लीजिए और हो जाए तो बताइए जरा। टॉपिक डालिएगा आप डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। तो देखिए डिग्री ऑफ एल्कोहल्स क्या होता है, जितने डिग्री के कार्बन से एल्कोहल अटैच्ड है वो डिग्री ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं इंग्लिश में से, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट, एज फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज मैंने ऐसे 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 कर दिया, OH यहां लगा दिया और OH यहां लगा दिया। अब एल्कोहल का डिग्री निकालना है, तो हम जिस, ये कार्बन हो गया तो इस कार्बन का डिग्री 1 होगा, तो इस एल्कोहल का डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसका डिग्री निकालना है तो इस कार्बन का डिग्री देखेंगे 2 आ रहा है, क्योंकि क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। इज दैट क्लियर? हो जाएगा? तो जरा बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दीजिएगा, जहां जहां भी इंपॉर्टेंट आएगा स्टार लगवाते जाऊंगा मैं, ठीक है। एक बार और बता दीजिए। ओके लिसन, अगर डिग्री ऑफ एल्कोहल निकालना है, एल्कोहल तो पता है ना, जहां पे OH होगा वो क्या होगा, एल्कोहल होगा, ओनली OH, ठीक है। तो एल्कोहल का डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस कार्बन से एल्कोहल अटैच्ड है, जिस कार्बन से एल्कोहल अटैच्ड है उस कार्बन का डिग्री निकाल लेते हैं। तो जस्ट सपोज ये वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री कार्बन है, तो इस 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है अल्कोहल, तो इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब इसका निकालना है तो ये किस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से, और इस कार्बन का 2 डिग्री है क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको डिग्री निकालना है और यहां पे आपको डिग्री निकालना है, और इसका नाम बता दीजिए जरा मुझे, इसका भी नाम बताइए आईयूपीएसी और इसका भी नाम बताइए आईयूपीएसी। हो गया, पहले वाला बताइए, एक डिग्री में 1 एंड 2 डिग्री। डिग्री ऑफ अल्कोहल फर्स्ट वाले का क्या होगा, अच्छा दोनों में 2 डिग्री आपने बनाया, बिल्कुल सही। नाम बताइए जरा दोनों का, गलत है उसमें एक आंसर, ठीक है, नाम बताइए इसका क्या होगा, ये फेनॉल होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, 1 दे देंगे, और ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। अब देखिए जरा, फेनॉल और अल्कोहल को अलग अलग रखा जाता है, ठीक है, अलग अलग स्टडी होता है, और यहाँ पे हम डिग्री नहीं निकालते, 9 डिग्री, जबकि ये डायरेक्टली, देखिए फेनॉल कब होगा, जब डायरेक्टली
बेंजीन पे एक OH ग्रुप होगा तो फेनॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री नहीं निकालते, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने स्टार लगवाया। और ये एक अल्काइल ग्रुप है, उस पे अल्काइल ग्रुप है उस पे OH लगा है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, बेसिकली अल्कोहल है, तो यहाँ पे 2 डिग्री ये सही है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको मैंने जब होमोलोगस में भी दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, क्या याद है आपको? ये मैंने दे दिया OH और यहाँ पे दे दिया मैंने CH2OH, दिया था या नहीं बताइए जरा, ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं? देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम किसका डिग्री निकाल रहे हैं, अल्कोहल का डिग्री निकाल रहे हैं, और फेनॉल को हम थोड़ा डिफरेंट मानते हैं, ये अल्कोहल नहीं मानते, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह अलग होता है, तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ अल्कोहल नहीं देखते। इज दैट क्लियर आलिया? यहाँ पे अल्कोहल नहीं, यहाँ पे अल्कोहल नहीं मानते, इसको फेनॉल अलग ही मानते, जिसके वजह से यहाँ पे डिग्री नहीं देखते। और ये वाला आपको याद है क्या, इसमें होमोलोगस सीरीज मैंने ये क्वेश्चन कराया था या नहीं, ये बताइए। चलिए ये हो जाए तो बताइए, आगे बढ़ते हम लोग। ये स्टार वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। Let me move to the next slide. अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहाँ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं ना, तो नाइट्रोजन को ना एज अ कार्बन ट्रीट करते हैं, जितने कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है ना उतनी उसकी डिग्री होती है, तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन डायरेक्टली जितना कनेक्ट होगा उतना उसकी डिग्री हो जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल जरा आप खुद बताइए इस डेफिनेशन को पढ़ के कि इसका डिग्री कितना होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, ये N है, N है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नाइट्रोजन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड है उतना उसका डिग्री होगा, सो इजी।
फर्स्ट में 1 डिग्री, बिल्कुल सही है। एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी 2 डिग्री होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द फोर्थ। इसमें इसका डिग्री कितना है, इसमें दो दो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा। जरा ध्यान से देखिए, फोर्थ वाले में ये वाला जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 आलिया, और ये वाला जो नाइट्रोजन है बेसिकली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री होगा कि नहीं। 4 डिग्री नाइट्रोजन का कहां से हो गया, चलिए 5 6 और 7 करिए जरा। फिफ्थ वाले में 2 डिग्री है, बिल्कुल सही। सिक्स वाले में 3 डिग्री है। सेवेंथ वाले में ये वाला बताइए और ये वाला बताइए, पहला ये मान लीजिए और ये दूसरा मान लीजिए। सेवेंथ वाले में कितना डिग्री होगा, हाँ 3 डिग्री हो जाएगा, ये बिल्कुल सही। और ये कि ये कितना डिग्री होगा, दूसरा वाला सेवेंथ का बी पार्ट, 3 डिग्री, बिल्कुल सही। तो आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकती हैं, और जैसा डिग्री ऑफ अल्कोहल होता है वैसा ही आपका डिग्री ऑफ हैलोजन भी होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ अल्कोहल जो था आपका, ठीक है, डिग्री ऑफ अल्कोहल इट्स सेम एज सॉरी डिग्री ऑफ हैलोजन अगर पूछता है तो वैसा ही होता है आपका डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जैसा होता है। अगर जस्ट सपोज आपको मैंने ऐसे ऐसे BR पूछ दिया, पूछा ब्रोमीन का डिग्री बताइए, ठीक है, या फिर ऐसे 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 करके क्लोरीन का डिग्री बताइए, या फिर ऐसे ऐसे ये क्लोरीन का डिग्री बताइए, तो जरा बताइए ब्रोमीन का डिग्री कितना होगा, जितना इस कार्बन का होगा। ये कार्बन कितना है, 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा कि नहीं। तो जैसा अल्कोहल का डिग्री, जैसे अल्कोहल का डिग्री निकालते हैं वैसे ही हैलोजन का भी डिग्री निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ हैलोजन करके लिख लीजिएगा, सेम एज डिग्री ऑफ अल्कोहल, सेम एज डिग्री ऑफ अल्कोहल। और हो जाए तो बताइए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, इसको सही से पढ़ेंगे, ये आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दे रखा है, ये बेस होता है ऑर्गेनिक का, जब रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं तो वहां पे काफी यूज होता है। ठीक है, चलो अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, ठीक है, जिसको हम लोग DU भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके बहुत सारे नाम है। दूसरा नाम हो जाएगा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इसको इस नाम से भी जानते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISD भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको इस नाम से भी जान सकते हैं हम लोग, जानते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, किस नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये सारे एक ही नाम है, एक के ही नाम है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको कहीं कहीं लिखा रहता है DBE। ठीक है, एक और नाम होता है इसका अनसैचुरेशन इंडेक्स, UI, अनसैचुरेशन इंडेक्स, इसको किसने किससे जानते हैं, UI लिखते हैं इसको, बेसिकली अनसैचुरेशन इंडेक्स, ये सारे एक ही चीज के नाम है। और ये होते क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल
रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो बेसिकली हम करते क्या है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहला डेफिनेशन है ये, ठीक है, जो कि पाई बॉन्ड के लिए लिख रहे हैं हम लोग, किसके लिए लिख रहे हैं, पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है। देखिए ये होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा बात है, हम करते क्या है, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको तोड़ के सैचुरेटेड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड बनाते हैं, ठीक है, इस बात को क्लियर है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है मल्टीपल बॉन्ड्स इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, पहले इसे लिख लीजिए आप, हो जाए तो बताइएगा, लिख लेंगे तो बताइएगा। डन, चलिए अब देखिए इसमें होता क्या, जैसे मैंने बताया अनसैचुरेटेड, जैसे सपोज अपने पास क्या है सी एच टू, डबल बॉन्ड सी एच टू है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक बॉन्ड तोड़ेंगे इसमें तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर ऐड करेंगे, तो बेसिकली हमें कितना हाइड्रोजन ऐड करना है, दो हाइड्रोजन ऐड करना है, यानी एच टू ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सी एच थ्री बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो सैचुरेटेड को, पाई को हमने सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बेसिकली सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड ऐसे कर देते। वैसे ही अगर जस्ट सपोज अपने पास ये वाला एग्जांपल दे रखा हो सी एच, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। तो एक बात बताइए कि एक बॉन्ड को हमने तोड़ा तो दो हाइड्रो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर होगा कि नहीं, ताकि कार्बन का वैलेंसी सैटिस्फाइड रहे, फिर इसको तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें एक हाइड्रोजन इसमें, तो ये क्या बन गया सी एच थ्री, फिर ये क्या बन गया सी एच टू, और फिर ये क्या बन गया ये वाला, देखिए सी एच तो है ये किससे बॉन्ड बना लेगा सी एच टू, ये सी एच टू है इससे बॉन्ड बना लेगा सी एच थ्री, यानी एक पाई बॉन्ड जो होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, इसको स्टार लगा के लिखिएगा, ठीक है, कि वन पाई बॉन्ड जो होता है इक्वल्स टू वन डी यू होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक पाई बॉन्ड में एक डी यू होती है, तो दो पाई बॉन्ड में कितनी डी यू होगी, दो डी यू होगी, एक्चुअल में ये सारे आइसोमेरिज्म में यूज होंगे सीधे सीधे, ठीक है, हम डी यू निकाल के पता कर सकते हैं कि वहां साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं, डबल बॉन्ड आएगा या नहीं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वन पाई बॉन्ड का मतलब वन डी यू होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, तो यहाँ दो पाई बॉन्ड था तो दो डी यू होगा, ठीक है, तो यहाँ पर टू एच टू ऐड करेंगे ताकि चार हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा, ये लिख लिया आपने, डी यू निकालना है आपको, जहां पाई बॉन्ड दिखे उसका डबल हाइड्रोजन कर दीजिए, ठीक है, जहां पाई बॉन्ड जितना दिखे उतना डबल हाइड्रोजन कर दीजिए। अब देखिए रिंग के फॉर्म में हम कैसे, इसका दूसरा डेफिनेशन रिंग के लिए होता है बी, ठीक है, अब देखिए इसको भी ध्यान में रखिएगा, एक रिंग इज इक्वल टू वन डी यू, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड और ब्रोकन टू फॉर्म ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन में बनाना हमें, ओपन चेन कंपाउंड में, तो जरा खुद ही देखिए आप कि अगर यहां पे एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और इस बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है, तो तोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, बेसिकली दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए ये भी सैचुरेटेड है लेकिन रिंग है, अब ये क्या हो गया, अभी भी सैचुरेटेड है लेकिन ओपन चेन है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे बना हुआ है और इसको तोड़ना है मुझे, तो तोड़ दूंगा तो ये ऐसे 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 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वन रिंग इज इक्वल टू वन डी यू होता है, बहुत आसान है, कहीं भी आपको कंपाउंड दे रखा है, जितना डबल बॉन्ड मतलब जितना पाई बॉन्ड होगा उसका डबल हाइड्रोजन, जितना रिंग होगा उतना डबल उसका उतना डी यू हो जाएगा, ठीक है, तो बात ध्यान में रखिएगा,
1 by 1 pi bond is equal to 1 DU. तो number of hydrogen पूछेगा अगर, तो एक pi bond के लिए दो hydrogen, यानी एक DU के लिए दो hydrogen, ठीक है। बाकी ये बस ध्यान में रखना है, ये दोनों point बहुत important है। अभी पीछे वाले question में ले जाके आपको पूछूंगा DU क्या है, ये हो जाए तो बताइएगा जरा। हो गया डन। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बस डीयू का मतलब यही होता है कि एक डीयू इज इक्वल टू 1 pi bond इज इक्वल टू 1 DU, एक रिंग इज इक्वल टू 1 DU, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि इसमें कितने डीयू हैं, तो पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 3 pi bond दिख रहा है और एक पूरा रिंग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीयू कितना हो जाएगा बताइए जरा, 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 हो जाएगा। यहाँ पे डीयू कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, अब यहां देख लीजिए, यहां बता दीजिए आप डीयू कितना है, यहां डीयू कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 में डीयू बताइए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं। थ्री पाई बॉन्ड वन रिंग, एक रिंग यहां भी तो बन रहा है, तो टोटल डीयू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो ठीक है। यहाँ पे 3 pi bond एक रिंग हो गया, 3, 4 हो गया, और एक ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वेरी गुड। चलो स्लाइड चेंज कर रहा हूं, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, फाइंड डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ड्रॉ करिए अच्छे से और फिर बताइए।
हो जाएगा। ओके वेरी गुड। बताइए फर्स्ट वाला बताइए कितना होगा आंसर। आप डीयू बताइए सीधे, ये नहीं बताइए कितना रिंग और कितना पाई बॉन्ड है। आप खुद कैलकुलेट करिए, मैंने बता दिया है कि 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 DU होता है और 1 रिंग इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 DU होता है। तो जितना पाई बॉन्ड है रिंग है ऐड करके सीधे आंसर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, तो यहाँ पे 4 DU हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सेकंड वाला करिए जरा। पांच लिखा होगा आपने, हाँ जरा देखिए, 1 रिंग और 3 पाई बॉन्ड इसमें आएगा, यहां से 4 आ जाएगा और यहां से 1 आ जाएगा 5, और एक ये रिंग नहीं बन रहा है इस तरीके से, ये भी तो एक रिंग बन रहा है, तो 6 DU होगा कि नहीं। आलिया वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट वाला पहुंचिए जरा। इलेवन डी यू देख लेते जरा, एक अच्छा फोर्थ, ये फोर्थ बताया आपने या थर्ड, फोर्थ, चलिए जरा यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 और रिंग, 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद इसमें 11 कैसे आया, वेट अ मिनट, ठीक है 10 और 11, ठीक है इधर एक रिंग बन रहा है, ये वाला रिंग बन रहा है और एक ये वाला, तो 11 DU हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने 11 DU। चलिए थर्ड वाला बताइए जरा, एक दो तीन चार, 4 DU होगा ना, ठीक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग फॉर्मूला से, अब हर चीज का स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला ऑफ डी। अब जब फॉर्मूला ऑफ डीयू की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू होता है जितना नंबर ऑफ कार्बन है प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन है, हैलोजन, और यहां पे माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई कर देते हैं हम लोग 2, तो ये होता है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। को O को नहीं लेते हम लोग, O को नहीं लेते, ठीक है O नहीं आता इसमें, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला हो गया C+1 माइनस हाइड्रोजन माइनस, और ये हाइड्रोजन प्लस हैलोजन प्लस नाइट्रोजन, ये क्या है आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है ये क्या है आपके पास हाइड्रोजन है। अब जस्ट सपोज आपने को फॉर्मूला दे दिया C2H6, अब इसमें हमें DU निकालना है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नंबर कितना है 2 है प्लस 1, ठीक है माइनस कर दीजिए, हाइड्रोजन कितना है 6 और एक्स एन कुछ नहीं है, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 व्हिच मींस 3, तो 2+3-3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ऐसा एक फॉर्मूला है, ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें ना ही रिंग बनेगा और ना ही डबल बॉन्ड आएगा, इज दैट क्लियर। चलिए तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। फाइंड डीयू ऑफ फॉलोइंग, सबका डीयू निकालना है, एक जो है आपका सबसे पहले C4H8 ले लेते हैं, ठीक है बी ले लेते हैं हम लोग सीधे सीधे,
C5H10Cl2 एंड C ले लेते हैं, C ले लेंगे, ए बी सी डी करके ले लेते हैं, ए बी सी डी C3H6O, O को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ये तीनों करके दिखाइए, और D ले लीजिए आप C2H2Cl2, C का मतलब नंबर ऑफ C एटम्स है, H का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, X का मतलब नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है, N का मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है। पहले वाले का आंसर कितना आया? ओ इतना आसान, बता दीजिए C4H8 है ये, इसलिए तो एग्जांपल दिया मैं, सीधे सीधे DU का फॉर्मूला लगाइए, DU इज इक्वल टू कार्बन जितना हो प्लस वन, कार्बन कितना है 4 है, तो 4 + 1, ये तो फॉर्मूला में 1 दे रखा है माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन, ये तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं रखेंगे। हाइड्रोजन कितना है 8 है, डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 और ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये इसका मतलब 1 आ गया, 5 - 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब या तो इसमें एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है, तो बात सही है। अगर रिंग बनाइएगा, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला C4H8 होता है, या फिर CH3CH2CH2, ब्यूटीन का भी फॉर्मूला C4H8 होता है, तो इससे यही पता चलता है हमें कि डबल बॉन्ड कितना है, ठीक है, या फिर रिंग कितना है, कितना हो सकता है, ठीक है। चलिए बाकी का करिए जरा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, यहाँ 0 आया क्योंकि ये सैचुरेटेड लिया ही था मैं। हो गया, बिल्कुल सही, इसका 0 आएगा फॉर्मूला में अगर आपने सही रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6 माइनस हाइड्रोजन कितना है 10, और x भी 2 है, तो देख लेंगे हम लोग यहाँ पे C+1 कितना है, एक मिनट, C5H10 है, तो 5 कार्बन है प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 10 है, ठीक है, और प्लस में हैलोजन करना है 2 है, नाइट्रोजन तो है नहीं तो बंद कर देंगे, और ये तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में चला जाएगा, 6 - 6 यानी 0, यानी ये एक एल्केन होगा जिसमें ना ही रिंग होगा और ना ही एल्केन होगा, ना रिंग होगा और ना ही डबल बॉन्ड होगा, तो एल्केन होगा। चलिए जरा ये करिए C3H6O का, C3H6O बताइए, वन, वेरी गुड, यानी या तो रिंग होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा एक, ये बनाइए जरा C2H2Cl2, वन होगा, लेकिन यहाँ पे साइकिल बनना, साइक्लिक बनना आसान है क्या, साइक्लिक बन सकता है C2H2
Cl2 में कहीं कहीं खुद दिमाग लगा लीजिए, अगर पूछेगा कि इसमें साइक्लिक बनेगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि दो कार्बन से साइक्लिक तो बन नहीं सकता ना। यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड हो गए एक और HCl और HCl, इज दैट क्लियर? ओके चलिए एक स्पेशल टाइप्स का क्वेश्चन, ठीक है। अगर जस्ट सपोज आपको दे दिया HCOO-, इसका जरा निकाल के बताइए कितना होगा। निकाल सकते हैं आलिया, जैसे फॉर्मूला लगाना है लगाइए, बताइए कितना आएगा, 2.5 आएगा या 1.5 आएगा। DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आलिया, DU इज इक्वल टू क्या होगा, कार्बन प्लस वन, कार्बन तो एक ही है, प्लस वन कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस, अब हाइड्रोजन पे जाएंगे जो कि वन है, ठीक है, और उसके बाद तो कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ना एक्स है ना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो लेते नहीं हम लोग, ठीक है। तो 2 - 1/2 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा कि नहीं आलिया। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, DU can be fraction, fraction में हो सकता है DU, क्यों होता है, क्योंकि इस पे या तो चार्ज होता है या फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, जनरली इट हैपेंस इन चार्ज्ड कंपाउंड्स, ये किस में होता है, ये जनरली चार्ज्ड कंपाउंड्स में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर इन फ्रैक्शन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो आपको बता दूं कि अगर मैं इसको इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो आपने देखा होगा कि इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, जो कि हम लोग CO3-2 वगैरह में कराया था हमने केमिकल बॉन्डिंग में, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ माइनस, फिर यहाँ रेजोनेंस करा के, ठीक है, इसको सिंगल बॉन्ड माइनस कर दिया, इधर डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ ओ माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर रेजोनेंस करके यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, और इधर माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी यहाँ है, ये सिंगल बॉन्ड है, अब डबल हो गया, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, अब ये डबल हो गया। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर किसी के पास है, दैट्स व्हाई यहाँ पे देखिए कभी यहाँ आएगा और कभी वहां जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी फ्रैक्शन में आता है आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर DU, इज दैट क्लियर? ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। लिख लिया आपने, डन, वेरी गुड। अब देखिए सवाल कुछ ऐसे पूछेगा, ठीक है, फाइंड डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, फाइंड डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का डिग्री निकालना अपन लोगों को। यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, ये OH दे दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर OH यहाँ दे दिया, एंड देन OH यहाँ दे दिया, ए बी सी कर देता हूँ मैं इसी पार्ट में, ये ए वाला, ये बी वाला, ये सी वाला, जरा बताइए, ठीक है, कि ये क्या होगा, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। यहाँ पे दे दिया मैंने फाइंड डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ, फाइंड डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है, अमीन का मतलब नाइट्रोजन का ही पूछा है, एम ई एम एन एच CH3 NH, इसमें भी ABC दे दिया मैंने, A दे दिया, B दे दिया मैंने, C दे दिया। तो ABC के अकॉर्डिंग बताइए जरा, A का कितना डिग्री ऑफ डिग्री होगा, DU नहीं पूछ रहा हूँ, डिग्री पूछ रहा हूँ। तो आप देखिएगा ये 3 डिग्री होगा कि नहीं आलिया, ये 2 डिग्री होगा,
और ये 1 डिग्री होगा। यहाँ पे देखें तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा और ये 2 डिग्री हो जाएगा। ओके आलिया, चलिए लिख लिया आपने।